स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किम को, जो मैथ्स में एक नंबर की डम्बो होती है। उसका टीचर उसे बोलता है, कभी तो फोकस कर लिया कर। वो हमेशा मैथ्स क्लास में वेट कर रही होती है कि कब टाइम जाएगा एंड ये सोएगी। एंड यप, टाइम गया, ये सो गई। उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर वो सैट एग्ज़ाम क्लियर नहीं करी तो उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो ये बोलती है कि एक एग्ज़ाम के ऊपर पूरी लाइफ थोड़ी ना डिपेंड होती है। तो नेक्स्ट डे वो सैट एग्ज़ाम लिखने जा रही होती है तो वहाँ पे ही रुक जाती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वो फेल हो जाएगी। सो वो एग्ज़ाम लिखने नहीं जाती। उसकी फ्रेंड चेकआउट करती है एंड वो देखती है कि वो आई ही नहीं, तो गई कहाँ। वो आसमान में देख के बोलती है कि काश मैं ये दुनिया से गायब हो जाती यार, ना ही एग्ज़ाम ना ही कुछ। तभी उसको कहीं से ढोल का साउंड आता है, सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि पुराने युग में, अब ये कौन सा युग है मुझे कैसे मालूम होगा, कोई भी एक युग पकड़ लो, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही होती है, तो वो लोग कुछ रिचुअल कर रहे होते हैं। तो ये एक पानी देखती है, वहाँ पे जंप मारती है एंड बूम, वो पहुँच जाती है जो अभी हम युग का बात कर रहे हैं वहाँ पे, जो रिचुअल कर रहे थे। सब लोग उसे मानने के लिए आते हैं। तभी उसमें से कोई महान बूढ़ा अंकुल बोलता है कि ये एंजल है, हम लोग रिचुअल कर रहे थे उसलिए प्रकट हुई। तो वो हाँ बोल देती है। तभी किंग उसे बोलता है कि तुम अब से यहाँ पे ही रहोगी जब तक बारिश ना आए, एंड बारिश तो 3 महीने पहले आई थी। तो वो बोलती है कि ओ माय गॉड, मतलब मैं यहाँ पे 3 महीने तक रहूँगी, मुझे क्या मालूम बारिश कब आएगी। तो बोलता है तुम झूठ बोली, तुम एंजल नहीं हो। तो बोलती है कि मैं गौसम हूँ, गौसम मीन्स मैथमेटिशियन, ये तो समझ लो इंटेलिजेंट। तो एक किंग इंटेलिजेंट जो भी पर्सन होते हैं वो मान नहीं सकते उनको, तो एक सवाल देता है उसे करने के लिए, एंड वो सवाल 6th क्लास के बच्चे का होता है। मतलब अभी जो हम 6th क्लास में पढ़ते हैं, पुराने युग में वो बहुत टफ था कहते हैं। सो वो कर देती है, किंग इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है तुम अब से मुझे पढ़ाओगी। उप्स, उन लोग सोचते हैं लड़का है, तो उसे वो गौसम का ड्रेस देते हैं जो लड़कों वाला होता है। तो ये भी मान लेती है कि मैं लड़का हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो उसे पढ़ाना स्टार्ट करती है, पढ़ाती भी क्या है, टेबल्स पढ़ाती है। जब वो बोलता है अच्छे से तो बोलता है कम ऑन बेबी। फिर वो उसे आई कांटेक्ट देख के बात करती है, तो बोलता है कि कोई किसी की भी हिम्मत नहीं मुझे ना आँखों में आँखें डाल के बात करने का। उसे अच्छा लगता है, बट फिर भी उसे डराने के लिए ऐसे बोल देता है। वो जो भी काम करता है उसके बीच में वो टेबल्स, जो भी वो होमवर्क देती है वो करते रहता है। उसे वो बॉडी पार्ट्स बताती है, लाइक किडनी, हार्ट। बोलती है जब तुम अपने हार्ट पे, दिल पे हाथ रखोगे तुम्हें धक धक सुनाई देगा। वो उसके दिल पे हाथ रखने का ट्राई करता है, वो दूर भाग जाती है क्योंकि उसे बताना नहीं था कि वो लड़की है। तो उसके साथ खेलता है, तो वो भागता नहीं है क्योंकि किंग लोग भाग नहीं सकते। तो ये बोलती है कैसे किंग हो भाई, जो तुम्हें पसंद है वो कर ही नहीं सकते। वो उसे टॉन्ट मारती है। फिर वो बोलता है रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ मैं कह सकूँगा, एंड वो उसके पीछे भागता है। सो किंग्स का यू नो थोड़े किंग को रिस्ट्रिक्शंस बहुत रहती है, वो भाग नहीं सकते ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये बोलता है कि फर्स्ट टाइम मैं इतना भागा और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे थैंक यू बोलता है। वो जो लंच में लेके गई थी स्कूल में उसके बैग में वो रहता है, तो वो इसे खिलाती है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसे देती नहीं हो ना बोल के इसे चिढ़ाती है। वो दारू को पानी समझ के पी जाती है जिससे उसे होश नहीं रहता, और बेहोशी की हालत में उसे बोलती है तुम बहुत क्यूट हो यार, उसे हग करने लगती है एंड वहाँ पे वो सो जाती है। इसे काइंड ऑफ अट्रैक्शन फील होता है, किस करने वाला होता है, तभी खुद के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, किंग है यार। तभी बारिश होता है एंड इसे याद आता है बारिश हुई तो किम चली जाएगी, ठीक है। इसके लिए लड़की नहीं है, इसके लिए वो गौसम है। सो उसके पीछे जाता है एंड वो तब उसे बोलती है कि मुझे मैथ्स नहीं आता, मैं एक नंबर की डफर हूँ मैथ्स में। फिर किंग उसे गले लगा लेता है एंड उसे खुशी होती है कि ये उसे छोड़ के गई नहीं, उप्स गया नहीं, उसके लिए तो एक लड़का है ना। सो वो सोचती है कि नेक्स्ट बारिश जब आएगी तब चली जाएगी। वो उसे सोलर सिस्टम पढ़ाती है, बट इस बार किंग को पढ़ाई में नहीं उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। देन वो लड़कियों वाले पहली बार कपड़े पहनती है, बट वो किंग से छुपती है, वो देखना ले इसे बोल के काइंड ऑफ नर्वस फील करती है। तभी किंग उसके अचानक से सामने आ जाता है एंड वो बोलता है कि डम्बो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पहले ही मालूम पड़ गया था कि तुम एक लड़की हो, इतने बार तुम्हें हक जो किया है।
वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही होती है, तो वो एक बीच पे चली जाती है। उसका मंत्री बोलता है कि उसके शर्ट पे लव लिख के है, वो टाइम पे उसका सिंबल समथिंग खुफिया होता है, तो वो उसे स्पाई समझता है। किंग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, तो उसके पास आता है एंड किस करके उसे हग कर लेता है। फिर किम बताती है उसे कि मैं एग्ज़ाम के लिए गई थी बट मैं हिम्मत नहीं हुआ, मैं जा नहीं पाई एंड मैं जैसे तैसे कैसे किधर आ गई। तो दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती हैं। वो बोलता है तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वो कुछ नहीं बोल पाती, उसका हाथ वो पिलो बना के वहाँ पे ही सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो बोलती है कि मुझे घर जाना है, मुझे मेरी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। तो बोलता है कि तो मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? तो बोलती है कि तुम मेरे लिए एक ड्रीम हो, और उसका क्लिप वो रिटर्न कर देती है। तो बोलता है कि ये किंग का रिक्वेस्ट है, मत जाओ। तो बोलती है सॉरी। फिर वो दोनों लास्ट विदाई देते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं एंड वो कुछ सेकेंड्स उनके लिए एक लव मोमेंट होती है। ओके, और वो जाते टाइम वो बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। फिर वो एग्ज़ाम में पहुँचती है, हिस्ट्री का पेपर होता है, उसमें वो देखती है कि किंग ने उसका नाम एक बहुत ही मतलब ग्रेट इंटेलिजेंट के नाम पे रखा है, वो खुद के नाम पे टिक करती है। जब बारिश आ रहा होता है तो किंग को मिस कर रही होती है। तब बस रुकता है, वो बाहर जाती है, बारिश बहुत तेज़ आ रही होती है। तो साइड में कोई आता है और उसके सामने अम्ब्रेला रखता है। जब उसका शक्ल देखती है तो वो किंग का हमशक्ल होता है एंड वो बोलता है मैंने तुम्हें पहले देखा है। तभी वहाँ पे गाड़ी आती है और पानी फ्लो होता है, वो आगे आ जाता है। फिर भी वो भीगती है ना, आगे आने के क्या फ़ायदा। एनीवे, वो कहाँ देख के रहता है बोलते, जहाँ पे वो बस में बैठ के रहती है, वो जब बस रुकता है चली जाती है, तो उसका छाता ये रिटर्न करने के लिए आता है। तो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, इनकी ये प्यारी सी लव स्टोरी, हैप्पी एंडिंग। गाइस, आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट में पक्का बोलना। ऐसी बहुत यू नो यूनिक क्यूट स्टोरीज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और अभी बाकी मेरे लिस्ट में बहुत सारे हैं। तो सब्सक्राइब करो चैनल। बाय 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 बाय।